हे गाइस, आज हम बात करेंगे एमआई के नए प्रोडक्ट के बारे में जो कि है एमआई का टीवी। ये जो एमआई टीवी 4 होगी ये आपको 3 पीरियड में अवेलेबल होगी जिसका साइज होगा 49, 55 एंड 65 इंचेस। इस टीवी की जो थिकनेस है वो है 4.9 एमएम और ये मेरे पास मोबाइल है जिसकी थिकनेस है 8.5 एमएम, तो नियर अबाउट इसका भी हाफ। ये है 3S प्राइम एमआई के और ये बहुत पतली है, जो हम लोग घर में फोटो फ्रेम लगाते हैं वो इससे मोटा होता है, ये आप सोच सकते हैं कितना। और जो मुझे इस टीवी में बहुत अच्छी बात लगी है वो ये है कि इस टीवी से सिर्फ एक पतली सी वायर एक बॉक्स में कनेक्ट करी गई है, जिससे आपको कई बार होता है कि आपको टीवी में जब कई सारी पेन ड्राइव लगानी होती है या कोई और कनेक्शन करना होता है तो बार बार आपको टीवी के पास जाना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको एक बॉक्स दिया। और ये स्मार्ट बॉक्स एक सीपीयू की तरह काम करता है, मतलब ये एक तरह से सीपीयू ही है। इसमें डॉल्बी एटम्स का साउंड सिस्टम अवेलेबल होगा जो कि आपका सीपीयू या जिसको आप बोल सकते हैं उसके साथ जो बॉक्स मिलेगा उसमें एम्बेडेड होगा। और ये जो इसका 5.1 चैनल का होम थिएटर सिस्टम होगा ये डॉल्बी के स्पीकर्स के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा साउंड का एक फील आपको देगा। ये जो एमआई टीवी सीरीज 4 होगी ये आपको 4K में अवेलेबल होगी और ये बेसिकली 720p से 3 टाइम्स शार्पर क्वालिटी में होगी। ये एक 3D टीवी है और इसके साथ जो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी वो 2 3D ग्लासेस प्रोवाइड करेगी, लेकिन आपके फैमिली में अगर इससे ज़्यादा लोग हैं तो आप इसको बाहर से भी आप परचेज कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है जो कि MI के कस्टम UI पे परफॉर्म करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी इस वक्त LG और सोनी टीवी को काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन ये जो टीवी होगी ये आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करेगी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी देगी और इसका जो प्राइस होगा वो 3 टाइम्स लेस होगा बाकी अभी जो टीवी सोनी और LG की अच्छी आ रही हैं। ऐसे हम मानते हैं कि ये दोनों को बहुत ही अच्छा कंपटीशन देंगी। इस टीवी से किसी भी जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।